मांझी प्रखंड के गोबरही गांव स्थित सर्वेश्वर नाथ शिव मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ के कारण पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। अनुष्ठान स्थल पर मेले जैसा दृश्य है। प्रतिदिन आसपास के कई गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पुरुष व बच्चे यहां पहुंचकर महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा अनवरत यज्ञ मंडप की परिक्रमा की जा रही है। यज्ञाधीश कन्हैया दास की देखरेख में जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महायज्ञ चल रहा है, वहीं प्रकांड विद्वान राम रसिक दास व सियाराम दास महाराज के मुख से भागवत शिव महापुराण आदि कथा सुनकर श्रोतागण भक्ति सागर में गोता लगा रहे हैं। कथावाचक संतों ने बताया कि यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चारण व हवन आदि की शक्ति से यहाँ वातावरण पवित्र होता है, वहीं रोगाणुओं का नाश होता है। कथा श्रवण से प्राणी ज्ञान अर्जित कर गलत मार्गों का त्याग देता है और जन कल्याणकारी नैतिक मार्ग पर अग्रसर होता है। महायज्ञ का आयोजन समस्त ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। आत्मक महारुद्र यज्ञ कन्हैया जी महाराज के तत्वाधान में हो रहा है विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान शिव जो है यही जब विश्व संकट में पड़ता है तो कल्याण करते हैं। जिस समय समुद्र मंथन से हलाहल निकला था उस समय सारे लोगों ने जब भगवान शिव को पुकारा तो ये विष पी करके और संसार का कल्याण किए, और इस समय भी भारत पर बहुत बड़ा संकट है। इसी संकट से उबरने के लिए कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ किए हैं। इसमें मुख्य रूप से कन्हैया जी ही इसके इन्हीं के तत्वाधान में हम अयोध्या से राम रसिक दास श्री रामदास जी महाराज सब पधारे हैं और राम कथा भी हो रही है, भागवत कथा भी हो रही है, ताकि विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम। हमारे शास्त्रों में यज्ञ को ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म बताया जाता है। यज्ञ मीमांसा कहती है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। यज्ञोपि तस्यै जनकल्पतायै, यज्ञ से ही हमारा कल्याण होगा, यज्ञ से ही भगवान की उत्पत्ति हुई है, यज्ञ से ही जनता का कल्याण होता है और यज्ञ से ही विश्व का कल्याण होता है। इसलिए इस पावन माघ महीने में अभिषेकात्मक शुद्ध महायज्ञ का आयोजन किया गया ताकि पूरे नगर, पूरे क्षेत्र, पूरे विश्व में सुख शांति की वृद्धि हो, मंगलमय की कामना है। यही भगवान शंकर से प्रार्थना है। जो इस जगह में कल अग्नि मंथन हुआ, लकड़ी से लकड़ी का घर्षण करके भगवान अग्निदेव को प्राकट किया गया। यज्ञ में जितना जल्द ही अग्निदेव प्राकट होते हैं उतना ही इस कार्य को शुभ माना जाता है। अग्नि का प्रकार बताया जाता है कि चतवार श्रृंगार त्रयो से पादा, उनके चार शीर्ष हैं, चतवार श्रृंगार त्रयो से पादा, उनके तीन पैर हैं, सप्त हस्तासन हैं, उनके सात हाथ हैं। और जो अग्नि भगवान का दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना अग्निदेव भगवान पूरी करते हैं। रुद्र यज्ञ यह भगवान शंकर का एकादश रुद्र अवतरित, और इस मास में रुद्र यज्ञ कराने का बहुत बड़ा फल बताया गया। यज्ञ में हमारे सभी कार्यकर्तागण श्री सुनील सिंह जी, विकेश सिंह जी और इनके सभी सहयोगी गण अक्षयवर सिंह, संदीप सिंह, सिंह सिंह, महेंद्र सिंह, मास्टर साहब चंदन सिंह, मंटू सिंह, गोटू सिंह, अंशु सिंह, मनीष सिंह, ये सभी लोग मिलकर के इस यज्ञ को अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम से, ग्राम सभा गोबरही के सहयोग से, पूरे क्षेत्र सभा के सहयोग से यह यज्ञ अपने पुनावती की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि इस ग्राम सभा क्षेत्र सभा को हमेशा कल्याण कल्याण करें और सुखमय रखे, यही रुद्र भगवान से प्रार्थना है। यज्ञ की पुनावती 10 फरवरी को हो, 10 फरवरी को है। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी से रुद्र प्रार्थना है कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में आकर के यज्ञ भगवान का दर्शन करें और अपने जीवन को प्राप्त करें।